हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय सीक्रेट रेसिपी कॉर्नर। आज हम बनाएंगे पंजाबी स्टाइल राजमा मसाला। ये राजमा देखकर आपके मुंह में पानी तो आ गया होगा, तो चलिए बनाते हैं। पंजाबी स्टाइल राजमा बहुत ही आसानी से बन जाता है और बहुत ही पॉपुलर सी रेसिपी है, अक्सर हम अपने घर पे बनाते रहते हैं, लेकिन इसे आज मेरे स्टाइल से बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं राजमा बनाना। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही और वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मैंने एक कटोरी राजमा ओवरनाइट भिगोकर रख दिया था। मैंने इसे धोकर अच्छे से वॉश कर लिया है। अब मैं इसे कुकर में उबलने के लिए रखूंगी। इसमें डालूंगी मैं एक तेजपात, एक बड़ी इलायची, आधा चम्मच नमक और 4 कटोरी पानी। अब मैं राजमे में 5 सीटी लगवा लूंगी। हमारा राजमे उबल गया है, चलिए अब इसे बनाते हैं। हम एक कढ़ाई ले लेंगे और उसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल और ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जीरा। अब मैं डालूंगी इसमें मीडियम साइज की 5-6 लंबी कटी हुई प्याज, तीन कटे हुए टमाटर और इन्हें चला लेंगे। 2 कटी हुई हरी मिर्च, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सा घी। और इन्हें 2 मिनट के लिए चलाते हुए भून लेंगे। दो मिनट हो गए हैं। अब इसमें मैं 1/2 टीस्पून नमक डालकर सॉफ्ट होने तक ढककर पका लूंगी। चलिए अब टमाटर प्याज चेक करते हैं, ये सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इन्हें ठंडा होने दूंगी। हमारे टमाटर प्याज ठंडे हो गए हैं। अब मैं इन्हें मिक्सर जार में डालकर इनकी प्यूरी बना लूंगी। राजमे में तड़के के लिए हमने एक कढ़ाई में 2 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है। उसमें डालूंगी मैं 2 लाल मिर्च, इन्हें चटकने दूंगी। मैं डालूंगी इसमें टमाटर प्याज की तैयार की हुई प्यूरी। और इसी के साथ इसमें कुछ मसाले ऐड करूंगी। 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जिंजर पाउडर, 2 टीस्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर और इसे अच्छा सा कलर आने तक पकाएंगे। हमारे मसाले को पकते हुए 2 मिनट हो गए हैं और मसाले का कलर भी चेंज होने लगा है। इसे हम जब तक पकाएंगे जब तक हमारा मसाला अलग और तेल अलग ना हो जाए। ये देखिए, हमारे मसाले ने तेल छोड़ दिया है, तेल अलग और मसाला अलग हो गया है। इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी है, इसका कलर भी बड़ा प्यारा सा आया है। हमारा मसाला अच्छे से पक गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे बॉइल्ड राजमा। इसे चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूंगी नमक। नमक हम स्वाद अनुसार डालेंगे, क्योंकि नमक मैंने पहले भी डाला था, और थोड़ी सी कसूरी मेथी।
और इसे 5 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। हमारे राजमे को खदकते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे ऊपर से हरा धनिया, थोड़ा सा गरम मसाला। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे 2 मिनट तक ढककर रख देंगे, जिससे हरा धनिया और गरम मसाले की खुशबू इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। 2 मिनट हो गए हैं और हमारा राजमा सर्व करने के लिए रेडी है। देखिए हमारा राजमा कितना अच्छा दिख रहा है। अब हम इसे राइस के साथ सर्व करेंगे।